बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग पहाड़ी भजन 73 जप जाप तू कट पाप तू हरि सुमरण ही सार आ। जप जाप तो कट पाप तो हरि सुमरण ही सार आ। सुमरण सब दुख दूर करे चितजी चिंता छूर करे। सुमरण सब दुख दूर करे चितजी चिंता छूर करे। सुमरण सुख भरपूर करे सुमरण शांति भंडार आ। जप जाप तू कट पाप तू हर सुमरण ही सार आ। सुमरण बंधन छोड़े थो भेद भरम सब तोड़े थो। सुमरण बंधन छोड़े थो भेद भरम सब तोड़े थो। सुमरण हरि सां जोड़े थो सुमरण सांत उद्धार आ। जप जाप तू कट पाप तू हर सुमरण ही सार आ। सुमरण तापन वारे थो लेखो जम जो वारे थो। सुमरण तापन वारे थो लेखो जम जो वारे थो। जन्म मरण खे टारे थो सुमरण सा छुटकार आ। जप जाप तू कट पाप तू हर सुमरण ही सार आ। सुमरण सांसिद साधक थया सुमरण ही कुल काज कया। सुमरण सांसिद साधक थया सुमरण ही कुल काज कया। कहे त्यों सब विघ्न वया सुमरण उप अपार आ। जप जाप तू कट पाप तू हर सुमरण ही सार आ। राग पहाड़ी भजन 73 जप जाप तू कट पाप तू हर सुमरण ही सारा। प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी वाणी श्री अमरापुर वाणी के राग पहाड़ी के भजन में गुरु महाराज जी सदुपदेश देते हैं कि परमात्मा के नाम का सुमरण करो, उससे तुम्हारे समस्त पाप कट जाएंगे। परमात्मा के नाम का जप ही संसार में सार है और कुछ भी सार नहीं। कहते हूं संसार में बात यही है सार, भजन करो भगवान का छोड़ो विषय विकार। मन को विषयों से हटा के ईश्वर के नाम का जप करो, क्योंकि जितने भी दुख हैं आधि व्याधि उपाधि त्रताप वो सभी नाम जपने से दूर होंगे। सुमरण सब दुख दूर करे चित्त जी चिंता चूर करे। मन के अंदर जो भी चिंतन चलता है सांसारिक चिंताएं होती हैं उन सब चिंताओं को वो सुमरण प्रभु का दूर करता है। परम सुख देने वाला भगवान के नाम का सुमरण है।
सुमरण सुख भरपूर करे, सुमरण शांति भंडारा। सुमरण से ही परम शांति की प्राप्ति होगी। सुमरण बंधन छोड़े तो जितने भी बंधन है मन के, उन सब बंधनों की निवृत्ति नाम जप से होती है। भेद भरम सब टोरे थे, पांचों भेद भरम उनकी निवृत्ति सुमरण से होती है। सुमरण हर सा जोड़े थो, परमात्मा से जोड़ने की शक्ति केवल नाम जप में है। जप से ही मन की तार उस ईश्वर से जुड़ती है और जीव का उद्धार हो जाता है। सुमरण साथ उद्धारा, सुमरण ताप निवारे थो, लेखो जमजो वारे थो। त्रितापों की निवृत्ति सुमरण से होती है और ऐसी नाम जप की महिमा है कि फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में यह जीव नहीं आता। यमराज का लेखा समाप्त हो जाता है। जन्म मरण के तारे थो, सुमरण सा छुटकारा। सुमरण से ही छुटकारा मुक्ति मिलेगी। तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतमय वाणी के इस भजन में उपदेश दे रहे हैं कि जितने भी सिद्ध हुए हैं उन्होंने नाम का जप किया है, सुमरण से ही सबके कार्य सिद्ध हुए हैं। सुमरण सा सिद्ध साधक थया, सुमरण ही कुल काज कया। कहे टेहू सब विघ्न भया, सुमरण ऊप अपारा। ऊप माना महिमा, सुमरण की अनंत महिमा है और सब विघ्न कष्ट संकट नाम जप से समाप्त होते हैं। तो इस भजन में नाम जप की महिमा का गुणगान पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा किया गया है। अमरापुर वाणी पढ़तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी, हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंत्र
थन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।